भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन और पीएम की किसान रैली को सकुशल संपन्न कराने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन को उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता जवाहर कसौदन को सदस्य बनाए जाने पर उनका भी अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और रैली को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल ने कहा, विगत दिनों जितने लोग भी इस अधिवेशन और रैली को सफल बनाने के लिए आदरणीय उपेंद्र शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के जिनका अभी हम लोगों को स्वर्गोर के नवनियुक्त उपाध्यक्ष जैन जी सदस्य के रूप में आज तो आगे रहना था। जवाहर कसौदन जिंदाबाद, महानगर अध्यक्ष का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का आग्रह करता हूँ कि आदरणीय जवाहर कसौदन उपाध्याय जी, महानगर के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पांडे महानगर के उपाध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूँ कि पदाधिकारी भाइयों, आदरणीय जितेंद्र सैनी जी जिन्होंने मंच पर ऐसे डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी चुनाव प्रबंधन पकड़ी पकड़ी बहुत बहुत बधाई। हमारे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें आप बलिया की बहू है भाई मंगल पांडे के, बहुत अच्छा जोरदार बहुत बहुत बधाई। जल की चिंता की है हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। बहुत बेजोड़ ले लीजिए, बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत आवास व्यवस्था जिले के उपाध्यक्ष सुमन जी
सुशीला को उनका भी काफी सहयोग भूमिका में रह करके इस तरफ सिविल जी कुमार सोनू चंद जी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन एवं महाकिसान रैली की सफलता के बाद आज क्षेत्रीय कार्यालय पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी की योजना में जो कार्यकर्ता पूरा समय देकर विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किए उनके अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ ही हमारे पार्टी के अति वरिष्ठ नेता इस महानगर के प्रमुख समाज सेवी पूर्वांचल के प्रमुख व्यवसायी और क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय पुष्पधन जैन जी को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है और उनके साथ वरिष्ठ व्यापारी नेता भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय जवाहर कसौधन जी को जो उसका सदस्य बनाया गया है इन दोनों नेताओं का भी अभिनंदन व्यवस्था से जुटे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए सबका अभिनंदन किया गया और गोरखपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अधिवेशन भी शानदार सफल हुआ और रैली भी एक मील का पत्थर साबित हुई। आज के अवसर पर हम सब लोग सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको भी और जनता जनार्दन को भी जो सहयोग दिया सबके प्रति हम लोग हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।